तो जी, यूनाइटेड बुल्ट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक बाइक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। तो ये आप इसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स देख सकते हैं, खूबसूरत से आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और ये इसके साइड कवर्स हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इंजन लगा है इस बाइक के ऊपर। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक बाइक है और इस इंजन के अंदर ये प्लास्टिक बॉडी है और ये ऐसे लग रहा है इंजन है। इसके अंदर भी साइड पे आपको बैटरीज मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी भी मिल जाती है जो 72 वोल्ट 25 एम्पीयर की आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाती है। उसके अलावा इसके मीटर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। और फ्रंट और रियर पे आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही है। असेंबली की हम लोग अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसमें दो तरह के मोड्स मिल जाते हैं, एस और ई। उसके अलावा यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ, और यहाँ से आपको पार्किंग का बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट हाई लो, इंडिकेटर लेफ्ट राइट और हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की। तो फ्रंट आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिल जाती है। उसके अलावा इंडिकेटर्स के अंदर LED बल्ब मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको यूनाइटेड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन की अगर बात कर लें तो इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट पे जो इसके शॉक्स हैं उसके आपको ब्लैक कलर के बॉटम मिल जाते हैं। और टायर की यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2.50x18 का यहाँ पे टायर मिल जाता है 18 इंचेस अलॉय रिम के साथ। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। टायर यहाँ पे इन्होंने डायमंड का यूज़ किया है। अब आ जाते हैं इसके रियर साइड पर। तो यहाँ पे आप रियर साइड इसकी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2000 वाट की मोटर मिल जाती है और ये 3 से 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज होता है बाइक। और एक चार्ज पर ये आपको 90 to 100 किलोमीटर्स की एवरेज फ्राहम करता है। टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं, इस बाइक की जो टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर्स की रफ्तार से ये बाइक भागता है। और मुझे इस बाइक में सबसे अच्छी जो चीज़ लगी, रियर साइड पे भी आपको यहाँ पे सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको पैडल नहीं मिल रहा। फ्रंट और रियर ब्रेक का जो आपको यहाँ पे सिस्टम है, फ्रंट ब्रेक आपको राइट साइड पे मिल जाती है और रियर ब्रेक जो है आपको वो लेफ्ट साइड पर मिल जाती है। तो जो लोग 4 स्ट्रोक बाइक चलाते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये होगा कि वो पहले रियर ब्रेक जो है वो पैडल पर यूज़ करते हैं और अब उनको क्लच लीवर पर आना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रिक बाइक जो कि इमरान ऑटोज़ पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका नंबर और इनका एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा, आप इनके पास आकर ये बाइक ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की। इस बाइक की जो प्राइस है 2,95,000 इस बाइक की प्राइस है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन लोगों के शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं और स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।